राजनीति को नजदीक से जानने वाले और राजनीति पर ढेरों कमेंट्स करने वाले ये पूछ रहे हैं कि सदन में एक साथ क्यों दिखे ज्योतिरादित्य सिंधिया और सोनिया गांधी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनके जो साथी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे वो सब एक एक करके वापसी कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ। दरअसल पूरा मामला आपको बता दे, संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन पुराने संसद भवन में ज्योतिरादित्य सिंधिया को सोनिया गांधी के साथ देखा गया। ये तस्वीर जैसा कि हमने बताया सोशल मीडिया पर छा सी गई, जबरदस्त कमेंट और जबरदस्त तरीके से इसको वायरल किया गया। आपको बता दें कांग्रेस छोड़ने के बाद पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया सोनिया गांधी के साथ नजर आए थे। संसद भवन में सेंट्रल हॉल में हुए कार्यक्रम में शुरू होने से पहले ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद आकर सोनिया गांधी से मुलाकात की। दोनों को साथ में बैठे देख लोग अचरज में पड़ गए। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पुराने संसद भवन में विशेष सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हाथ मिलाते हुए दिखे। उनकी ये तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने कुछ बातचीत भी की, हंसते मुस्कुराते उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी। लेकिन इस तस्वीर से ज्यादा चर्चा का विषय बनी ज्योतिरादित्य सिंधिया और सोनिया गांधी के साथ साथ बैठे रहने की तस्वीर। आपको याद होगा सिंधिया ने 2020 में कांग्रेस का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया था। 3 साल पहले कांग्रेस से बगावत करके सिंधिया बीजेपी में आए थे। इससे मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी थी, कमलनाथ की सरकार गिरी थी और फिर से शिवराज मुख्यमंत्री बने थे, बीजेपी की सत्ता आई थी। बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री भी बनाया गया है। अब आप ये समझिए कि जिस तस्वीर की हम लगातार बात कर रहे हैं वो तस्वीर आखिर बनी कैसे, यानी संसद में सोनिया गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक साथ बैठे हुए आखिर नजर क्यों आए, उसकी वजह पता चल चुकी है। दरअसल मंगलवार को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आगे बढ़कर सबसे आगे की पंक्ति में बैठी सोनिया गांधी के पास जाकर उनका अभिवादन किया। इसके बाद सिंधिया ने कुछ देर खड़े होकर सोनिया गांधी और उनके बगल में बैठे अधीर रंजन चौधरी से बातचीत की। बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया बगल की दूसरी वाली पंक्ति में आगे की सीट पर जाकर बैठ गए, जहां पर कि सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर बैठे थे। अब जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो कार्यक्रम शुरू होने से पहले सोनिया गांधी के साथ बैठे अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे मंच पर चले गए, जो कि एक नियम के तहत कार्यक्रम में होता है, क्योंकि खड़गे और चौधरी राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के नेता पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ मंच साझा करने के लिए गए थे। इसलिए जो सीट खाली हुई सोनिया गांधी के बगल की, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी सीट से उठकर सोनिया गांधी की सीट पर जा बैठे और सोनिया गांधी ने अपनी सीट पर खिसक कर उन्हें बैठने की जगह भी दी। इसके बाद पूरा कार्यक्रम जो चल रहा था उसको ज्योतिरादित्य सिंधिया और सोनिया गांधी ने एक साथ एक ही टेबल पर बैठकर देखा सुना। इसी तस्वीर की सियासी गलियारों में खूब चर्चा हुई। इस तस्वीर के सामने आने के बाद चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ गई, चर्चा का विषय बन गई ये तस्वीर। ज्योतिरादित्य सिंधिया लंबा सियासी सफर कांग्रेस के साथ गुजार चुके हैं, लाजमी है अगर उनकी तस्वीर ऐसे होती है तो उस पर चर्चा तो होगी। आपको बता दें ग्वालियर के पूर्व राजघराने के वारिस ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक करियर ही कांग्रेस पार्टी से शुरू हुआ है। सिंधिया का शुमार जो है उन नेताओं में किया जाता है जो गांधी परिवार के बेहद करीबी और खास हैं। उनकी और राहुल गांधी की दोस्ती भी खासा मशहूर रही है, फिलहाल कुछ दिनों से उनके बीच में तलखी नजर आ रही है। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया जब खफा होकर कांग्रेस से बीजेपी में आ गए तो तभी से उनकी जो है ये खटास दिखाई पड़ी राहुल और सिंधिया के बीच, अन्यथा वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त माने जाते थे। अब ये तस्वीर जो सामने आई तो वाकई में ये सियासी एतबार तो नहीं, इस तरीके की बातें भी सियासी जानकार कहने लगे। गौरतलब है कि साल 2018 में मध्यप्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस से हार का सामना करना पड़ा था और बीजेपी ने मध्यप्रदेश विधानसभा की 230 सीटों में से कांग्रेस की 114 सीटों के मुकाबले 109 सीटें जीती थी। कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस ने सूबे में सरकार बनाई थी, लेकिन साल 2020 में जैसा कि हमने बताया ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के साथ ही 15 महीनों की कांग्रेस की सरकार गिर गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 22 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ दी, जिससे कि 2020 में मध्यप्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार गिर गई। ये वो कहानी यहां से शुरू होती है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस तक का सफर खत्म होता है और वो बीजेपी में शामिल होते हैं, और तब से उन्हें ना गांधी परिवार के किसी सदस्य से मिलते हुए देखा गया, ना किसी के साथ किसी मंच को साझा करते हुए देखा गया, लेकिन पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल के कार्यक्रम में सोनिया गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जब सेम बेंच शेयर कर रहे थे
एक ही कार्यक्रम में, तब ये तस्वीर सियासी जानकारों के लिहाज से बेहद खास हो गई। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर जमकर वायरल हुई, जमकर इस पर कमेंट्स आए और सवाल तो बस पूछिए ही मत कि भाई क्या महाराज फिर कांग्रेस की तरफ बढ़ते तो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ये सारे सवाल सोशल मीडिया पर दिन भर तैरते रहे, लेकिन इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताया कि दरअसल स्थिति क्या थी, क्यों सोनिया गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया सेम बेंच शेयर कर रहे थे सेंट्रल हॉल में। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।